साथियों, हमारी सरकार युवाओं के साथ है, युवा हौसलों, युवा सपनों के साथ है। आपकी सफलता सशक्त, सक्षम और समृद्ध भारत के संकल्प को भी सिद्ध करेगी। देश की युवा शक्ति न्यू इंडिया का आधार स्तंभ है और बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार इसे सशक्त करने में जी जान से लगी हुई है। नई शिक्षा नीति हो या IIT और IIM का विस्तार, नए स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न से लेकर खेलो इंडिया केंद्र तक, इन सब के साथ युवाओं के लिए हर जरूरी पहल की गई है। युवाओं को भारत की शक्ति मानते हुए मोदी सरकार नव भारत निर्माण के लिए युवाओं को तैयार कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दे रहे युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हर मौके पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं। पूरे भारत में 1,524 रोजगार मेले के आयोजन से 2,48,596 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। युवाओं के कौशल विकास के लिए जुलाई 2015 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ हुआ। योजना के अंतर्गत अब तक 1,37,24,226 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। युवाओं को विजन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति के तहत मोदी सरकार द्वारा एक विस्तृत रोड मैप भी तैयार किया गया। शिक्षा ढांचे को विस्तृत करने और नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाने पर जोर दिया गया, ताकि भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदला जा सके। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य 2030 तक शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करना है। बीते 9 वर्षों में मोदी जी के अथक प्रयासों से 7 IIT, 7 IIM, 16 IIIT का लोकार्पण और 5,000 ITI स्थापित हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मॉडल स्कूल के रूप में PM श्री स्कूल के तहत 14,500 विद्यालयों का निर्माण हुआ। कुपोषण को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने 2021 से 2026 के बीच PM पोषण योजना को 54,061 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया और इसके तहत अब तक 11,20,000 विद्यालयों के लिए 11,80,00,000 का बजट आवंटित किया। 11,80,00,000 बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा चुका है। वहीं बालिकाओं के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ भी किया गया। बीते सालों में मोदी जी के दृढ़ निश्चय से ही शिक्षा जगत में अतुलनीय विकास और शिक्षा क्षेत्र में नवाचार स्थापित हुआ है। यहाँ तक कि मोदी सरकार शिक्षा का कायाकल्प करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध रही है। खेल व खिलाड़ियों के उन्नति के लिए मोदी सरकार ने सबसे पहले लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की। योजना के तहत भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान की जा रही है। स्पोर्ट्स खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। आजादी के अमृत काल में देश अपनी विरासत पर गर्व के साथ इस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है।
यही नतीजा है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक विजेताओं, पैरालंपिक में 19 पदक विजेताओं, साउथ एशियन गेम्स 2016 में 308 पदक विजेताओं और 2019 में 312 पदक विजेताओं ने भारत का मान बढ़ाया। जमीनी स्तर पर बच्चों को उभारने और भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसके साथ साथ मोदी जी ने योग को भी सर्वप्रथम रखा। देशवासियों को निरोग रहने का संदेश देने और भारतीय ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी शैली से दुनिया को अवगत कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। अपनी संस्कृति, युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व नवाचार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना मोदी सरकार की साफ नीयत सही विकास को दर्शाता है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए खिलाड़ियों को समृद्ध और युवाओं का विकास करना सर्वोपरि है।